मुस्लिम विरोधी वो हिंदू महासभा के चर्चित नेता कमलेश तिवारी की दीन दहाड़े हत्या। मिठाई के डब्बे में लाया था मौत का सामान। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आपका हमारे चैनल में मैं गुलाम स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करूंगा, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की दीन दहाड़े ही हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कमलेश तिवारी के मानने वाले बहुत ही गुस्से में दिख रहे हैं, साथ ही इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कमलेश तिवारी को शुक्रवार को 18 अक्टूबर लखनऊ स्थित उनके कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक अपने विवादित बयानों और मुस्लिम विरोधी सोच को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले नेता कमलेश तिवारी उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने कुछ साल पहले इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया था। बता दें कि उनके इस बयान को लेकर उन पर मुकदमा भी चल रहा है। यूपी के सीतापुर जिले के रहने वाले कमलेश तिवारी कई बार विवादों में आ चुके थे, जिसके लिए वो 2 बार गिरफ्तार भी हुए हैं। साथ ही तिवारी पर कुछ पत्रकारों को डराने धमकाने के भी आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कमलेश तिवारी ने एक बार तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के सम्मान में भी मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर इलाके में स्थित एक मस्जिद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण भी वो चर्चा में बने हुए थे। उनकी कट्टरवादी सोच और मुस्लिम विरोधी होने की वजह से कुछ साल पहले एक्टर आमिर खान की टिप्पणी को लेकर उन्होंने सिर कलम करने तक की मांग रखी थी, जिसकी वजह से भी सोशल मीडिया और टीवी चैनल आदि पर खूब चर्चाओं में आ गए थे। मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है। लोगों ने बताया कि उन बदमाशों ने भगवाधारी कपड़े पहने हुए थे और दोनों बातचीत करते हुए कमलेश तिवारी के ऑफिस में घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने अचानक इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चलते बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश ने मिठाई के डिब्बे में चाकू छिपा कर रखा था। उन्होंने पहले कमलेश का गला रेता, उसके बाद गोली मार दी, जिसकी आवाज़ सुनते ही पूरे कार्यालय में भगदड़ मच गई थी। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, खबर को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।